सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई एक विषय मेरे दिमाग में आया है। काफ़ी दिन पहले मैं शायद सोनीपत था और एक मित्र है, दो तीन जने बैठे थे वहाँ पे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे थे हम। तो वो बोले यार तू हमारा विषय नहीं उठाता। मैं बोला भाई बताओ क्या बात है। वो बेसिकली क्लर्क हैं किसी डिपार्टमेंट में। तो मैं बोला जी, वो बोले कि हमारा क्लर्क का एक विषय है और आप हम चाहो कि आप हमारी उस पर मदद करो। तो मैंने उनसे पूछा अभी विषय बताओ क्या है। हालांकि मैं किसी संगठन या किसी संगठन के हेड से नहीं मिला, वो नॉर्मली क्लर्क थे और अपना जॉब कहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा अभी मामला बताओ। तो वो बोले कि जी हमारा जो ग्रेड पे है, नौकरी में एक ग्रेड पे हुआ है, तो बोला जी जो हमारा ग्रेड पे है वो है 1900 और आज के टाइम पे हमारी नौकरी जो है वो ग्रेजुएशन बेस है, और पीएन का जो ग्रेड पे है वो है 1800 और उनकी जो जॉब है वो है 10वीं बेस। क्लर्क जो है एक ऑफिस के अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। सारा बर्डन, सारा दिमाग, सारे काम, सब कुछ ऑफिस है, बड़े पंचकुला के बड़े बड़े ऑफिस तक सारा जांच परख उसके हाथ में है। कोई छोटे से मामले में भी अगर करप्शन आवे तो क्लर्क की गुद्दी पकड़ी जावे है। जब इतना बड़ा सेंसिटिव और इतना बड़ा ओहदा एक क्लर्क का है और उसकी जो ग्रेड पे है वो मात्र 1900 है, 1900 का मतलब ये है कि आप उसका लगभग 10 गुना 19,000, उसमें दो 3,000 और जोड़ दो, अंदाजा 21-22,000 रुपये उसकी तनख्वाह होगी। और ये जो ग्रेड पे है ये आज से नहीं है, अंदाजा सा 15-20 सालों से 20-25 सालों से उनका ग्रेड पे इतना ही है, बढ़ा ही नहीं है। और सरकार के आगे उन्होंने कई बार आवाज़ भी उठाई है लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी आज तक। देखो खैर अपने लेवल पे कर भी रहे होंगे काम। मैं हर विषय को कवर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे यूँ लगे किसी डिपार्टमेंट के क्लर्क के परिवार से संबंधित कोई भी मामला है अगर हम उठा पाऊँ तो, पर्टिकुलर एक की बजाय पूरे समाज का डिपार्टमेंट, पूरा समाज का कोई विषय है। तो जब मैंने इस बारे में सोचा तो फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से तो ये अपील करूँगा ही करूँगा कि उनको क्लर्क के बारे में सोचना चाहिए। अगर एक ऑफिस के अंदर क्लर्क नहीं होगा तो उसमें काम कैसे होगा। लेकिन जो इस क्लर्क का अगर संगठन, समिति, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो उनके हेड हैं, अगर वो मैं उनको लगता है कि जगदीप उनकी कोई वीडियो बना के उनकी कोई मदद कर पा सकता है, वैसे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे से बड़े बड़े चैनल और भी हैं, फिर भी अगर उनको लगता है कि जगदीप हमारी आवाज़ उठा दे तो मेरा सौभाग्य है भाई। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, नंबर ये ऊपर लेकर क्या है। और भाई अगर मान लो मैं 1% आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो सिंपल टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आप छोड़ दो, व्हाट्सएप भी सिंपल टेक्स्ट मैसेज, ताकि मैं व्हाट्सएप तो चलाता ही नहीं यार, ना बराबर चलाऊँ मैं, सिंपल टेक्स्ट मैसेज छोड़ दो ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ और फिर मैं आपकी कोई मदद, अगर इस लायक हूँ तो मैं मदद भी कर सकूँ भाई। धन्यवाद, जय हिंद, बात मदद की।